गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं सप्ताह और महीने। सप्ताह यानी दिन के नाम। दिनों के नाम में हमने देख लिया सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। रविवार यानी कि इतवार, छुट्टी का दिन, संडे। और बुधवार, फिर हमने पढ़ा गुरुवार, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार यानी कि इतवार, और गुरुवार के दो दो नाम हो गए। रविवार को इतवार कह दिया हमने और गुरुवार को बृहस्पतिवार कह दिया। तो ये दोनों हमें नाम याद रखने हैं। इसके साथ ही हमने आपको महीनों के नाम बताए, जो अंग्रेजी में आपने बोले थे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। उसी प्रकार हिंदी में हमने आपको बताया चैत्र, बैसाख, मार्गशीर्ष, पोष, कार्तिक, अश्विन, बहुत सारे। तो ये सारे नाम आप लोगों को याद करना है, उचित क्रम में याद करना है, ये आपको करना है। जब ये अभ्यास हो जाएगा तो उसके बाद हम उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा अभ्यास दिया है जिसमें आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, वहाँ पर आपको संक्षिप्त में उनके उत्तर लिखना है, यानी कि वन और टू वर्ड्स में, एक या दो शब्दों में। और ये सब जुड़े हुए हैं आपके दिन और महीनों से ही। तो यहाँ उन्होंने पूछा है सप्ताह में, चलिए बढ़ते हैं अभ्यास में। उन्होंने क्या कहा, उत्तर दें। तो पहला वाले में उन्होंने क्या पूछा आपसे, सप्ताह में दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, हमें पता है 7 दिन होते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 7 दिन, ठीक है, कितने दिन होते हैं 7 दिन, ये पहला आंसर। फिर उन्होंने नंबर दो में पूछा है रात और दिन मिलकर बनता है। रात और दिन मिलकर बनता है, रात और दिन पूरा मिलकर एक क्या बनता है, पूरा। अगर पूरा रात का समय ले लिया, पूरा दिन का समय मिल गया, तब जाके पूरा क्या काउंट करते हैं हम कि पूरा एक दिन। रात और दिन मिलकर पूरा बनता है एक दिन। ऐसा नहीं कि रात रात काउंट, नहीं, काउंट कैसे करते हैं कि पूरी रात के 12 घंटे और दिन के 12 घंटे, पूरा 24 घंटे का समय मिलकर एक दिन बनता है। अब करते हैं अगला वाक्य, रविवार को कहते हैं। रविवार का अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो क्या कहेंगे, हमने अभी डिस्कस किया था रविवार का दूसरा नाम होता है इतवार। इतवार आप सबको पसंद है, होता है, छुट्टी होती है, है ना, मम्मा पापा सब घर पे होते हैं, एक साथ समय गुजारने का अवसर मिलता है। अच्छा अच्छा मम्मी फ्री होके खाना बनाती है, पापा होता है तो मम्मी पापा बाहर भी घुमाने ले जाते हैं, मतलब कुल मिला के आपकी मजे का दिन। फिर आते हैं बुधवार। बुधवार का अन्य नाम है, अगर बुधवार को किसी और नाम से पुकारा जाता है, नहीं, बुधवार का नाम है तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, बुधवार को हम केवल बुधवार ही कहते हैं। प्रश्न समझना जरूरी है, हर बार अगर आपसे कुछ कहा जाए तो आप उसको हाँ करके जवाब नहीं लिखे, बुधवार का अन्य नाम है, नहीं, बुधवार को हम केवल बुधवार ही कहते हैं। दिन रात में कुल घंटे होते हैं, दिन और रात के अगर घंटों को टोटल मिला दिया जाए, कुल पूछा है कितने होंगे, 24 यानी कि 24 घंटे। किस प्रकार लिखेंगे 24 की स्पेलिंग, 24, ये हमने लिखा 24 यानी कि 24। तो इस प्रकार हमें पता चल रहा है क्या, कुछ वाक्य हमने दिए थे उनके उत्तर के, सप्ताह में दिन होते हैं 7, रात और दिन मिलकर बनता है एक दिन, रविवार को कहते हैं इतवार, बुधवार का अन्य नाम है नहीं, दिन रात में कुल घंटे होते हैं 24। तो ये एक अभ्यास छोटा सा हमने कराया आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि प्रश्न किस तरह पूछे जा सकते हैं। आपको टेस्ट हो या परीक्षा हो तो इनमें से इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अपनी कॉपी में लिखिए अभ्यास और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपसे ऐसे ही अभ्यास कराते रहें। इसी आशा के साथ कि आप लिख रहे हैं, स्टडी करें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।